जय भारत। मैं बीएस चौहान, चीफ एडिटर मस्का चस्का टाइम्स गुरदासपुर तो आपके सन्मुख आप जी के सामने चंद शब्द आरटीआई एक्ट 2005 ते रखना चाहूँगा, क्योंकि असी लोग बड़ा कुछ भुगत रहे हाँ, बड़ा कुछ देख रहे हैं और उस दे उपर सोचन दी या उस दे कोई एक्शन लैन की साजे च हिम्मत नहीं, कोई लॉ नहीं। इस करके आरटीआई एक्ट जिहड़ा बनाया सर पंजाब भारत सरकार ने वह बहुत वधिया बनाया, लोगों की प्राइवेसी बनाया, हिंदुस्तान की भारत की इंप्लीमेंटेशन वास्ते बनाया, लेकिन असी उसका कुछ नजायज फायदा भी उठाते हैं। आज कुछ अधिकारियों की जनरल पब्लिक की प्रॉपर्टी हद तो वध है, अगर अं उन्होंने सवाल करते हैं जो क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब आता है ये तुहाडे अधिकार तो बाहर है, तुसी पूछ नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? जदों के हर अधिकारी, हर अमीर आदमी, हर तगड़ा बिजनेसमैन अपनी एनुअल रिपोर्ट सरकार को दिंदा है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिंदा है, कि वो पब्लिक शो नहीं कर सकता? कर सकता है। इस करके जो भी आरटीआई किसी अफसर को पाने या मैं तकरीबन तीन अफसरों में आरटीआई पाई हाँ और जवाब आया कि तुसी मेरी परसनल प्रॉपर्टी वास्ते नहीं पूछ सकते, ये आरटीआई एक्ट नहीं आता। जो कि स्पष्ट है अभी वो परिवारिक चीज़ों च नहीं आ सकते, लेकिन उसके निजी प्रॉपर्टी, उसका अमाउंट, उसकी सर्विस, उसका वर्क, उस बारे ही जानू हो सकते हैं। इस करके मैं उन्हां लोगों नूं, उन्हां अधिकारियों नूं बेनती करांगा कि जिन्हां कोल भी एक्ट के तहत लैटर जाते हैं या कोई पुछ के जाती है इनफॉर्मेशन वास्ते लैटर जाता है, उसका उन्होंने प्रॉपर जवाब देना चाहिए है। और ज़्यादातर अफसर या वो अधिकारी या जनरल पब्लिक आरटीआई एक्ट के तहत जवाब देना चाहते ही नहीं, वो जवाब देंदे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पता है कि 30 दिन का टाइम हैगा, समा हैगा, 30 दिन के बाद कमिश्नर चंडीगढ़ को जाना पैना और इस करके जब तक उत्थे पहुँचना है तद तक यदा वैसे ही रस्ते च रह जाना। इस करके ज़्यादातर लोग जोड़े ने आरटीआई की परवाह नहीं करते, उसका जवाब देना पसंद नहीं करते और मैं महसूस करना जो करते हैं वो गलत करते हैं। और मैं एक बेनती कराँगा कि आरटीआई दे विच बहुत सारे शोधों की जरूरत है और शोध किए जाए ताकि आम जनता को उन्हां दा कोई बेनीफिट मिल सके। जय हिंद।